चीन की शह पर भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने वाले नेपाल को मिर्ची लग गई है। दरअसल नेपाल सीएम योगी आदित्यनाथ की एक सलाह से तिलमिला उठा है। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको तफ्तीश से बताते हैं। 8 मई को उत्तराखंड में 80 किलोमीटर लंबे धारचूला और लिपू लेक दर्रे को जोड़ने वाले अहम मार्ग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जिसके बाद से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते में तनाव आ गया। नेपाल का कहना है कि ये राजमार्ग उसके इलाके से गुजरता है, लेकिन भारत ने उसके इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके बाद नेपाल ने इन भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। मामला तब और गर्मा गया जब इसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। योगी ने नेपाल को चेतावनी देते हुए कहा था कि नेपाल को वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए जो तिब्बत ने की थी। अपने देश की सीमाएं तय करने से पहले उसे उसके नतीजों के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल भले ही दो देश हों, मगर नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि दोनों की आत्मा एक ही है। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अब योगी की यही बात नेपाल को चुभ गई और सीएम योगी के इस बयान को अपमान करार दे दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगर उन्होंने नेपाल को धमकी दी है तो यह उचित नहीं है। वे केंद्रीय सरकार की निर्णायक भूमिका में नहीं है, वे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के हिसाब से भी उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वे योगी के इस बयान को नेपाल के अपमान के रूप में लेते हैं और नेपाल किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। यह बात मैं योगी जी को याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नुभएको हो भने त्यो जायज होइन, र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यो म अहिले त्यति भनौँ। र उहाँको बोलाइ, उहाँ केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नुभएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नुभएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नुभएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। दरअसल यह जगजाहिर है कि आजकल नेपाल को चीन की तरफ से चाबी भरी जा रही है। जब से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे विवादों को चिंगारी मिल सके। लेकिन अपनी विस्फोटक बयानबाजी के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार नेपाल की पूंछ पर पैर रख दिया है, जिस वजह से केपी शर्मा ओली बिलबिला उठे हैं।